राम राम सभी को। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज फिर मैं डेमन को बाहर लेके आया हूँ, तो इसकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट है, जो कि मैंने वीडियो भी अपलोड की है। तो धीरे धीरे की ट्रेनिंग, वो जो बेसिक थी वो प्रॉपर ये सीख चुका है। सिट, कम और हैंडशेक वगैरह। अब इसे कुछ नई ट्रेनिंग सिखाने के लिए मैं बाहर लेके आया हूँ। ये विदाउट लीश मेरे साथ चल रहा है। अब मैं डॉग को अगर ये चीज़ सिखाना चाहते हो तो उसे शुरू से ही विदाउट लीश चलना सिखाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी सामने स्ट्रे डॉग पड़े हुए हैं। आया, अभी देखते हैं इनका रिएक्शन। चलो डॉग, हाँ डेमन कम। कोई मोमेंट नहीं, कोई हरकत नहीं। जिस रूट से आप जाते रहते हो तो डॉग को भी उसकी आदत हो जाती है, और जो आसपास डॉग्स पड़े होते हैं उन्हें भी उसकी आदत हो जाती है, तो कोई हरकत नहीं करते हैं। बट फिर भी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा डराना पड़ता है। मैंने स्टिक ली हुई है और कॉलर भी साथ में है इमरजेंसी के लिए, कहीं ये निकल ना जाए। अब ये घूम तो चल रहा है, तो बने रहिए आज की वीडियो में। आज मैं कुछ और ट्रेनिंग इसे सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम, घर से काफ़ी दूर है, जंगल में है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। तो आज मैं से तीन ट्रेनिंग फिर से सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें स्पीक आ जाता है, वेट आ जाता है एंड तीसरी जंप की। स्पीक, स्टे, जंप, ये तीन ट्रेनिंग में आज मैं इसे सिखाने वाला हूँ। और देखता हूँ कैसा परफॉर्म करता है अपना दिन। तो अभी मैं आपको उसके ट्रेनिंग रिपीट करके दिखाता हूँ, जो मैंने इसे सिखाई हुई है, जो प्रैक्टिस में रही। डेमन सिट, गुड बॉय, गुड बॉय। डेमन कम, डेमन कम, गुड बॉय, गुड बॉय, तीसरी हैंडशेक की थी, उसमें इतना परफेक्ट नहीं हुआ है अभी, तो अभी धीरे धीरे सिखाते रहेंगे, धीरे धीरे चीजें ऐड होती रहेगी। अब थोड़ा सीरियस हो जा भाई, ले आपको थोड़ा थोड़ा सा टाइम बढ़ाना, गुड बॉय। अब ये थोड़ा होल्ड रहा, तो ऐसे धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करना है, ताकि इसे पता चले कि हम मेरे कुछ समय के रुकने पे मुझे ट्रीट मिल रहा है। तो गुड परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में, अभी दोबारा से ट्राई करते हैं। ये कम से कम 4 से 5 बार करने के बाद फिर मैं वर्ड इंट्रोड्यूस करूँगा। डेमन कम, डेमन
ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ट्रेनिंग को, क्योंकि नहीं जम रहा है। आर्मी से दूसरी जगह पे लेके आया हूँ। गुड बाय। ठीक गुड बॉय। मिट्टी में होगी ये सारी। तो आपको ये ट्रेनिंग अपने डॉग को कैसे सिखानी है, अपने हाथ में ट्रीट लेना है, और जब आपका डॉग सिर्फ कमांड को फॉलो करते हुए फिट हो जाए तब आपको उसके सामने ट्रीट रखना है और उससे आई कांटेक्ट बनाना है, और ध्यान रखना है कि कितनी देर बोल दीजिए, मतलब उसे लगे कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, वैसे ही इस तरह से ये कमांड सीख जाएगा धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस नीचे, मतलब जैसे ही स्टे रहा फिर नीचे आगे आपने रख दिया, ठीक है, स्टे बोलना है, अगेन स्टे बोलना है, तो ऐसे आप ईट की कमांड सिखा सकते हो। मेरा थोड़ा सा ट्रेनिंग टाइम थोड़ा गलत हो जाता है, ये अक्सर डॉग को ट्रेनिंग तब देनी चाहिए जब वो थोड़ा सा हंगरी हो और सो के उठा हो, तब वो ट्रेनिंग पे अच्छे से ध्यान दे पाता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है और उसे ट्रीट के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता है वो ट्रेनिंग के लिए, ये ट्रीट मिलती है उसे। और अब तो ये मतलब बस ऐसे ही हो रहा है, पेट भरा हुआ है, इसके सामने मैं बिस्किट रख रहा हूँ तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप अपने पपीज का ट्रेनिंग टाइम तब चुने जब वो थोड़ा सा हंगरी हो। तो मेरे ख्याल से आज का दिन यही ऐसे ही पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि डेमन ट्रेनिंग के मोड में नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं ले रहा, थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत हो रही है अकेला होने की वजह से। तो ये चीज़ कल परफॉर्म करते हैं, कल संडे भी है और कल काफ़ी बच्चे मेरे साथ आ जाएंगे कैमरा पकड़ने के लिए भी और वैसे माहौल बनाने के लिए भी। तो आज इसे घूमने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव एंड सपोर्ट।